यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको चने दाल का हलवा या बर्फी बनाना सिखाऊंगी। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, कहीं कोई ज़रूरी बात आपसे छूट न जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब 2 कटोरी चने की दाल कुकर में डाल रहे हैं। अब इसको धुलने के लिए जा रहे हैं, धुल लेते हैं। ये देखिए दाल को धुल लिए हैं। अब इसमें दूध डालेंगे, छोटा गिलास दूध, इतना थोड़ा और लेते हैं। इतना दूध लीजिएगा कि दाल आराम से गल जाए। अब इसको हम सीटी दिलाएंगे। देखिए दोस्तों ये उबल गया है, ये अब इसको दरदरा हम पीस लेंगे। ये अब पीस गया है, अब इसको भूनेंगे कढ़ाई में। देखिए इसी तरह से पीसना है, थोड़ा दरदरा। देखिए ऐसे ही धीरे धीरे हाथ चलाना पड़ेगा और गैस एकदम कम, अगर तेज गैस कर देंगी तो जल जाएगा। धीरे धीरे भूनना है इस तरह। देखिए धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, एकदम ब्राउन हो जाएगा तो समझिए कि भून गया, एकदम पाउडर जैसे हो जाएगा। आँच एकदम धीरे, तेज में नहीं भूनेंगी वरना जल जाएगा। देखिए ये ब्राउन हो रहा है बिल्कुल, अब इसको निकाल लेंगे। देखिए मैं शुद्ध घी डाल रही हूँ और ड्राई फ्रूट भूनने जा रही हूँ हलवे के लिए। शुद्ध घी कैसे आप आसानी से घर पर निकाल सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हलवे के लिए चने की दाल 2 कटोरी लिए थे और अब चीनी जो है 1.5 कटोरी ले रहे हैं। अब मैं हलवे के लिए चाशनी बनाने जा रही हूँ। इलायची, छोटी इलायची डालूंगी। अब इसमें पानी डालने जा रहे हैं, 2.5 कटोरी पानी डाले हैं। अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी गलने तक इसको चलाएंगे, बस चीनी गल जाए उसके बाद इसमें वो जो दाल पीसा हुआ था भुना हुआ वो इसमें डाल देंगे। अब खोया डालने जा रहे हैं। खोया डालते हैं, बहुत से लोग डाल देते हैं, जिसके पास अगर खोया नहीं है तो वैसे भी बना सकता है, तो ऑप्शन में है डालें या ना डालें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर खोया बनाने की विधि देख सकते हैं। ये चाशनी तैयार हो गया है, अब इसमें हम डालने जा रहे हैं ये
अब इसको कुछ देर चलाएंगे। थोड़ा इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। थाली में घी लगा रहे हैं क्योंकि इसमें हलवा जमाएंगे तो आराम से जम जाएगा और नहीं लगाएंगे तो चिपक जाएगा, इसलिए लगाना पड़ता है घी। चारों तरफ से इस तरह से लगा देंगे घी। अब इसको प्लेट में निकालने जा रहे हैं, गैस बंद कर दिए।